मध्य प्रदेश सरकार एक साल में देगी 1 लाख युवाओं को नौकरी। 15 अगस्त से होगी भर्ती शुरू। प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। पूर्व सीएम रमन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से की कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। बारिश के चलते खुले इंदिरा सागर डैम के 12 गेट। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। डाउनस्ट्रीम के सभी जिलों में अलर्ट जारी। मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में किया कांवड़ यात्रा का शुभारंभ। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा महेश्वर। कृषि मंत्री खुद बने कांवड़िया। और राजधानी में लगातार जारी है बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से चर्चा में। और सबसे पहले बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये खबर, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को 511 नए मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 79, दुर्ग में 73, राजनांदगांव में 69 समेत अन्य जिलों के मरीज हैं। कोरोना नियंत्रण अभियान राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। लापरवाही हुई तो इसे तेज होने के में समय नहीं लगेगा, इसलिए कोरोना की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह होम आइसोलेशन में है। बता दें, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रहे थे, लेकिन अब वे बाकी के बच्चे सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। खंडवा जिले में नर्मदा इंदिरा सागर बांध के जलाशय का जलस्तर 257.60 मीटर पहुंचने से आज सुबह करीब 9:30 बजे बांध के 12 गेट आधा मीटर की ऊंचाई तक खोले गए। बता दें, नर्मदा में प्रति सेकेंड 2004 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बांध के डाउनस्ट्रीम में नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डैम के गेट खुलने से ओंकारेश्वर बांध के पानी की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। बांध प्रबंधन के अनुसार बारिश के रुख को देखते हुए बतौर एहतियात गेट खोले गए हैं। साथ ही डाउनस्ट्रीम के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और नाविकों को नर्मदा और बांध क्षेत्र से दूर रहने की ताकीद दी गई है। मंदसौर में सप्ताह भर बाद मूसलाधार बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं पानी ही लोगों की परेशानी भी बन गया। गीता भवन रोड पर आए दिन, आपको बता दें ये गीता भवन रोड का आम नजारा आपको बता रहे हैं, जहां आए दिन पानी भर जाता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। यहां के क्षेत्रवासियों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। उनके घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन ना तो प्रशासन कोई ध्यान ही दे रहा है, ना ही किसी तरह की कोई खबर ही इस पर आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है, कुछ ऐसा ही लगता है। नगर पालिका वाले भी नगरवासियों की परेशानी को अनसुना कर देते हैं। डीआरपी लाइन में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिस कर्मियों के ब्लड प्रेशर, शुगर आदि के साथ वायरल फीवर जैसी शिकायतों का चिकित्सकों ने परीक्षण किया। चिकित्सक मयंक पाटीदार ने बताया कि पुलिस के 45 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुलिस कर्मचारी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। शिविर में करीब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। आज पुलिस लाइन डीआरपी लाइन में पुलिस वालों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया, जिसके दौरान उनका ब्लड प्रेशर, शुगर आदि का चेकअप किया गया
जिन लोगों को पहले से ऑलरेडी ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई चल रही थी उनको उनकी दवाई देखी गई और कुछ नए मरीज भी इसमें मतलब डायग्नोज किए गए हैं जिनको ब्लड प्रेशर शुगर था, उनके ब्लड प्रेशर शुगर के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया तथा अन्य सामान्य मरीजों का भी परीक्षण किया गया जिन्हें सर्दी खांसी बुखार वगैरह था और उनको भी उनकी बीमारी के अनुसार उनको उपचार दिया। जबलपुर में जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर पौधारोपण करने की योजना बनाई है जिसे लेकर नदी तालाबों के किनारे स्कूलों और खाली मैदानों पर पौधे लगाए जाएंगे और इसके साथ ही अमृत सरोवर के आसपास और नर्मदा तटों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देशकर ने आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर शहर के सभी थाना प्रभारियों और वार्ड मुंशियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस और जनता के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने पुलिस को आम जनता और समाज के बीच बेहतर समन्वय बनकर सेतु की भूमिका स्थापित करने को कहा है ताकि जन सामान्य के बीच पुलिस की लोकप्रियता बढ़े और पुलिस के प्रति आम जन का विश्वास बना रहे। खबर चाचौड़ा के बीनागंज से, जहां बारिश से बचने के लिए एक सांड वार्ड नंबर 15 के एक 3 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया। वहीं जब मकान मालिक ने सांड को घर की छत पर देखा तो वो भी हैरत में आ गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने नगरपालिका को इसकी सूचना दी। वहीं जिस सूचना मिलते ही नगरपालिका कामला मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। सिंगरौली जिले के लंगाडोल थाना अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मंझौली पाठ का यह मामला है, जहां छात्रा जब 12वीं पास की अंक सूची लेने विद्यालय पहुंची तो वहां पदस्थ लिपिक ने उसके साथ बदसलूकी की। अंक सूची देने के बाद लिपिक छात्रा का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। छात्रा ने विद्यालय में लिपिक लेखपाल सिंह चौहान की शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना की शिकायत सिंगरौली के ASP SK वर्मा से भी की गई है, जिसे संज्ञान में लेकर ASP वर्मा लंगाडोल थाने को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बच्चे के आना कानी पूरी करे हैं। ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में भी लाया गया है, इसकी जांच मैं करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोला था कि तुम्हारा बाप तो है नहीं, दो दिन सोची फिर हम दे दिए, फिर दे रखे और पकड़ने लगा और फिर बोला था फिर अनुसूची ने क्रॉस कर दिया और हस्ताक्षर कर दिए, फिर बोला था जाओ कहीं किसी लाइक में जाओगे फिर आना मेरे पास और एडमिशन नहीं होगा। सिंगरौली की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल की एक छात्रा ने लिपिक पर इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है कि लिपिक ने उसके साथ बदतमीजी की। जब वो अपनी मार्कशीट लेने के लिए, 12वीं की मार्कशीट लेने के लिए जब वो विद्यालय पहुंची थी तो मार्कशीट तो दे दी गई, लेकिन इसी दौरान लिपिक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी किसी तरह से छात्रा बची वहां से और सीधे विद्यालय में जाकर लिपिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ASP ने तुरंत संज्ञान में लिया ये मामला और जरूरी निर्देश दे दिए हैं। और भोपाल से हम एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां
के एक छात्र के साथ बदतमीजी का मामला है। आपको बता दें, एक शासकीय स्कूल में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, सरकार सीएम राइस स्कूल के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूट रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आगे बात भी कही कि सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे जुमलेबाजी का पर्याय बन चुके हैं। तोहे फिजा के एक शासकीय स्कूल में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी? एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे बेटियां पढ़ पाएगी और कैसे बेटियां बचेगी? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।